हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन पे। आज आपको सिखाने वाला हूँ मैं चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या क्या हमें दिखता है। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको चेस्ट एक्सरे। देखो, ये मेरा कंसोल रूम है। तो अब हम आते हैं चेस्ट एक्सरे पे। देखो, चेस्ट एक्सरे हम जैसे करते हैं तो हमारे सामने ये इमेज खुलती है। अब क्या क्या देखते हैं, देखो मेजर चीजें आपको मैं पहले बताता हूँ। पहले ये होता है आपका हार्ट शेडो। इसमें हार्ट शेडो होता है, इसका 1/3 पार्ट इधर और 2/3 पार्ट इस तरफ होता है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। तो हमें ये पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड कौन सी है जिस तरफ हार्ट का थोड़ा ज्यादा शेडो बन रहा है। उसके नीचे होता है जैसे स्टोमक, जिसकी गैस देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर की शो भी हो रही है। और इसमें रिब्स होती हैं। अब हम पता है 12 जोड़ी रिब्स होती है, जिसमें 7 जोड़ी रिब्स यहाँ से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, और बाकी की 3 फॉल्स होती है जो 7वीं से जुड़ी होती हैं, और बाकी की 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे होता है, देखो अगर हम एक्सरे को ध्यान से देखें तो हार्ट के जस्ट ऊपर आर्च ऑफ अरोटा, जहाँ से मैन जो महाधमनी निकलती है वो, और यहाँ पे जिसका अपाइकल व्यू होता है, यहाँ पे जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो इसी एरिया में पाया जाता है, जस्ट ऊपर के एरिया में। ये सर्वाइकल बोन है आपकी, यहाँ से जाती है कनेक्शन। इस तरफ स्कैपुला है, स्कैपुला की, ये स्कैपुला की देखो यहाँ पे शेडो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, हर्ट के ऊपर बिल्कुल ये हो जाए। ये शोल्डर आ गया इधर। तो इस तरह हमारा चेस्ट का एक्सरे है। यहाँ पे हम देखते क्या है, मेजरली हम देखते हैं यहाँ पे एयर, जो ब्लैक ब्लैक है वो एयर है, जो व्हाइट व्हाइट है वो बोन है। ठीक है, और जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये इन्फेक्शन है, ये जो ब्लॉकेज है नसों में जो उसके कारण जो इन्फेक्टेड हो गई है, तो वो हमें व्हाइट के रूप में शो करेंगी। तो ये है पूरा आपका चेस्ट एक्सरे। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों।